अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो बेटा, खैरियत से हो? हाँ भाई, आ गए तमाम बच्चे। अभिया आ गई हैं, अभिया, आयजा मेरा बेटा, कैसे हैं? अंशरा, वालेकुम अस्सलाम। सुनैना, कैसे हो मेरा बेटा? चलें, आयजा भी आ गई हैं। ओके, सब सेट है, सही चल रहा है भाई। काइनेमेटिक्स हमारा चल रहा था और एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर अभी रखी गई थी क्योंकि बकरीद की छुट्टियों में एक क्लास हमारा मिस हुआ। चलें, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो मेरा बेटा, खैरियत से हो? जी, चल, अब्दुल हादी आ गए। अभी आर यू देयर? चलें बेटा, अंशरा, ओके। चलें भाई, तो आज की क्लास रखने का मकसद ये है कि एक लेक्चर मेरा मिस हो गया था बकरीद की छुट्टियों में, तो उसको कंपलसेट कर लेंगे इंशाल्लाह, और लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। काइनामेटिक्स हमारा कंटिन्यू था और होपफुली कि आप लोगों ने अपने ग्रुप में वॉइस नोट मेरा सुन लिया होगा। हाँ भाई, खदीजा, अब्दुल हादी, वॉइस नोट सुन लिया था मेरा बेटा? आज की क्लास में क्या होने वाला है? ऑब्वियसली हम लोग ने काइनामेटिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में बात करनी है आज, ओके ना? जी, चलें, आवाज़ आ रही है तमाम बच्चों को? अब्दुल हादी, थैंक यू, ओके अंशरा। चलें, असलम परवेज, चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और आज लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए एज ऑलवेज हमारे पास से हमारा जो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, और उस टाइम टेबल को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो क्या होगा मेरा बेटा, तो ये टाइम टेबल हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक वीक में 5 डे हम आपके पास आ रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली कंप्यूटर, बायोलॉजी, उसके साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का सेशन हमारा चल रहा है। अभी छा जाओ पे, आप जूम पे लाइव हमें देख रहे हैं। चैप्टर आयान कौन सा है? काइनेमेटिक्स का है बेटा, ठीक है ना? जी, ओके ओके। तो एक एक तो ये कंडीशन थी हमारे पास। इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो आज क्या होने वाला है भाई, तो आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आज आज हमारा ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, इसकी क्या तरतीब होगी, हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने 9 क्लास में जब स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स को, तो अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे पास, और इन तीनों लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इसकी अरेंजमेंट थी हमारे पास, ठीक है ना? अब अगर मैं तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्वेजन ऑफ मोशन के ऊपर लाजमी डिस्कस कर लिया था। इक्वेजन ऑफ मोशन क्या है, उसको हम कैसे बात कर रहे थे, उस पर हमारे पास रहीमा, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? तो उसमें हमारे पास क्या तरतीब थी, बहुत अच्छे तरीके से। असलम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा, खैरियत से ना? अब अगर मैं आज न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन के ऊपर तुमसे बात कर लेता हूँ, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन में 2 अलग-अलग पैरामीटर्स भी हमारे पास, जिसमें एक बुक के एग्जाम्पल सवाल हैं, इसी के साथ साथ हमारे पास बुक के क्वेश्चन के सवाल आ जाएंगे, बुक के प्रॉब्लम के बारे में भी हम बात कर लेंगे, और कुछ असाइनमेंट भी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। आर यू रेडी एवरीवन? जी बेटा, आर यू रेडी एवरीवन? चलें, ओके, चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो आज आज हम लोगों ने सबसे पहले बात क्या करनी है बेटा, देखो, एग्जाम्पल नंबर, वर्क एग्जाम्पल नंबर आपके पास 7 होगा, देखो बुक में मौजूद है। जी एवरीवन, काइनेमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में अनफस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? जी सारिम, चले, ओके हैदर, हाँ बिल्कुल। तो इसमें देखोगे, रिकनेक्ट हो जाओ असलम बेटा, रिकनेक्ट हो जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू। चलें आयान, आर यू देयर एवरीवन? चलें, अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन है और न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह हम करेंगे। इसमें देखो हमारे पास है वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 में, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरा बेटा, बोलो, 12 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा। अब थोड़ी सी बात मैं लास्ट वीक वाले या लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी उसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं आपके लिए। अच्छा, वो क्या था, तो एक सॉन्ग हम गा रहे थे, याद है, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से, एवरीवन थैंक यू,
जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से, सारे बच्चे बताओगे, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। अंशरा थैंक यू, बिल्कुल ऐसे ही है, जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है मेरा बेटा, जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतनी टाइम में नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जाते वक्त कौन सी वेलोसिटी जीरो, ऊपर जाते वक्त कौन सी वेलोसिटी जीरो एवरीवन, तो ऊपर जाते वक्त फाइनल वेलोसिटी vf जीरो, नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी vi जीरो होगी। बोलो यस और नो, बात क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई अभी? या थैंक यू मेरा बेटा अंशरा, ओके की रिपोर्ट आ गई, हैदर ओके, सारे बच्चे अब चैट बॉक्स में आ जाओ, बहुत तेजी से काम हो रहा होगा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा चाहिए। खदीजा थैंक यू, राहिमा ओके की रिपोर्ट आ गई, हैदर ओके। देखो जब मैं आपसे डेटा के बारे में बात करूं तो इस डेटा से पहले कुछ कंडीशन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखो ये क्या है, अगर मैं इंडिविजुअल तुमसे एक ग्राउंड सरफेस पर ऐसे बात कर लूं और इस ग्राउंड सरफेस से एक बॉल को कहां फेंका गया भाई, बॉल को ऐसे, इस बॉल को ऊपर फेंका गया, ये ऐसे ऊपर फेंका गया, स्लो डाउन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। लेट्स कंसीडर कि इस पॉइंट पर जाकर ये क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। अच्छा, जब इस पॉइंट पर जाकर रुक जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो मेरे पास जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया वो वी आई है 12 मीटर पर सेकंड, टॉप पर ये गया तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, जब ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी इसको नीचे लेकर आ रही होगी, ये -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया गया, ये टाइम तुम्हें निकालना है। पहले बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? जी एवरीवन, यहां तक की बात समझ में आई? पूरा डाटा बना दिया और डाटा के साथ साथ मैं तुम्हें एक डायग्राम से भी शो कर दिया ना। अब अगर मैं आपके लिए डाटा को ऑफिशियली लिख दूं तो vi इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ इसी के साथ साथ मेरा बेटा अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूं तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू जीरो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी -9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ आपने कैलकुलेट करना है, यहां टू फाइंड में आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा टाइम को, ठीक हो गया। अब इस टाइम के लिए नोटिस करो, तो जैसे आप सॉल्यूशन में गए ना मेरा बेटा, तो टाइम के लिए होता है वी नो डेट, क्या जानते हैं, तो पूरे सवाल में कोई हाइट का जिक्र है, डिस्टेंस या हाइट का जिक्र है? बोलो एवरीवन। जी पूरे सवाल में डिस्टेंस या हाइट का जिक्र नहीं है, और अगर डिस्टेंस और हाइट का जिक्र नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला, एवरीवन बोलो। जी बच्चा हाँ, डिस्टेंस और हाइट के कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है तो मेरे पास यहाँ ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, जी बच्चा बाडी, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जी वी एफ, बिल्कुल ठीक,
तो ये बन जाएगा मेरा बेटा देखो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इसमें से अगर मैं डायरेक्ट सेपरेट कर लूं टी को तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। पहले बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई एवरीवन। असलम थैंक यू मेरा बेटा अंशरा बेहतरीन हो गया सुनैना ओके ओके। चलो भाई चैट बॉक्स में आ जाओ खदीजा आर यू देयर आयजा अबिया अब्दुल हादी आर यू देयर मेरा बेटा अयान हैदर। चलो भाई रुमैसा भी आ गई बेस्ट हो गया। चलें तो इस कंडीशन में टी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो माइनस ये 12 डिवाइडेड बाई माइनस 9.8। नोट करोगे टी इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 9.8 माइनस ने माइनस को कैंसिल किया मेरा बेटा तो टी इज इक्वल टू ये डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.2 इट इज व्हाट वी हैव सेकंड। तो एंड में हेडिंग क्या बनाते हैं मेरा बेटा बोलो एवरीवन। एंड में हेडिंग हम बनाते हैं रिजल्ट की है ना भाई और रिजल्ट में टाइम टी इज इक्वल टू 1.2 सेकंड दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। बोलो यस और नो जी एवरीवन। हाँ बिल्कुल नहीं अंशरा बेटा इसको ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियस है माइनस 10 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं 9.8 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। बाद अवकात ऐसा होता है सवाल में कि आपको मेंशन कर दिया गया है कि 10 लेके सॉल्व कर लो तो जब मेंशन कर दिया गया है तो 10 लेके सॉल्व करें और मेंशन नहीं है तो 9.8 से सॉल्व करेंगे ठीक है। हो सकता है ना सवाल में गिवन हो जाता है और जब सवाल में गिवन हो गया तो फिर उसी कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे। चलो चलो ओके ओके डन करो तो आगे चलो मेरे बच्चों थैंक यू जी मेरा बेटा डन। चलें जज़ाकअल्लाह। अब अगली कंडीशन क्या है अगली कंडीशन अगर मैं तुमसे डिस्कस करूँ ना मेरा बेटा तो देखो चलें सारिम डू इट एट क्विक एज पॉसिबल ना क्विकली थैंक यू मेरा बेटा। चले तो एक तो ये मामला हो गया। अच्छा अब तुम्हारे पास ना बुक प्रॉब्लम की बात आ गई। बुक प्रॉब्लम में देखो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की एक हेडिंग बनी होगी चैप्टर के एंड में और उसका न्यूमेरिकल नंबर पार्ट ए उसमें ए बी सी इस तरह करके कुछ सवाल जरूर हैं लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल दिया हुआ है पार्ट ए में। बोलो मिला नहीं मिला एवरीवन जी मिल गया अंशरा बेटा सुनैना असलम आर यू देयर हैदर सारी मेरे बच्चे अयान थैंक यू राहिमा चलो खदीजा आयजा अबिया अब्दुल हादी आजिब थैंक यू। चलें चलो आपने कहा ओके सर बिल्कुल मिल गया। चलो मुझे बता दो बुक का पेज नंबर कौन सा है अभी पता चलेगा। देखो बुक का पेज नंबर कौन सा है भाई जी बुक का पेज नंबर आजिफ वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई चैट बॉक्स में हाँ आजिफ यू आर लेट तकरीबन ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट आए पेज नंबर चलें भाई 57 पे चल ना ना। देखो अब हमारे पास क्या कंडीशन है देखो बोलता है अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड हाउ हलवा इज दिस जी क्या मैं बोल रहा हूँ एवरीवन हाउ हलवा इज दिस इतना सिंपल इतना आसान सवाल पूछा गया तुमसे कि सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरा बेटा इनिशियल वेलोसिटी वी आई इट इज 15 मीटर पर सेकेंड ऑल्सो वी हैव दिस एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन तुम्हारे पास a is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो एज टू गेट यू हैव टू हैव टाइम यहाँ टाइम गिवन है तुम्हारे पास 6 सेकेंड का मेरा बेटा नाउ यू हैव टू फाइंड दिस फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी मीन्स टू से फाइनल वेलोसिटी means vf is equal to question mark and कुछ नया करने की जरूरत नहीं है
यू डोंट हैव टू डू समथिंग न्यू ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ. क्या बात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ अंशरा. क्या बात है, वीआई की वैल्यू 15 है, वीआई की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू 6 है. 5 6 30 + 15 45. थैंक यू, डन. ओके करूं? अरे यार ओके करूं, आसान है ना यार, इसमें तो टाइम जाया नहीं करते हैं, क्या कहते हो? जी शहजादो, बेहतरीन. अंशरा थैंक यू. असलम बेटा, अब्दुल हादी ओके? हाँ, अब्दुल हादी ने कहा यस सर, ये तो आसान है. आजिफ आसान है, आजिफ जजाकल्ला. चलो अब्दुल हादी, अबिया मेरा बेटा, आयजा, अलियान, अंशरा और फिर असलम, खदीजा, वी हैव ऑल्सो हैदर, अयान मेरा बेटा, राहिमा, सुनैना. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ नया करने की जरूरत नहीं है खदीजा. जिस तरह ना देखो, ये तुम लोग का बिल्कुल बेसिक क्लास 9 के काइनेमैटिक्स को पढ़ ले हो तुम लोग, सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको. और अगर क्लास 9 के काइनेमैटिक्स को पढ़ लो ना, तो मैं तुम्हें सिंपल अल्फाज में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा, जैसे आपको बताया जा रहा है ना वो कर लो, ठीक है? एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, है ना? क्योंकि इस पूरे सवाल में डिस्टेंस या हाइट गिवन नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही इस्तेमाल करोगे ना. क्या कहते हो खदीजा मेरा बच्चा? ओके ना, थैंक यू. ओके आओ, इसी में इक्वेशन ऑफ मोशन में ही न्यूमेरिकल नंबर पार्ट, न्यूमेरिकल का पार्ट बी है. देखो देखो मिला, इसमें कोई नंबर गिवन नहीं है, लेकिन बुक में देखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन में पार्ट ए वाला न्यूमेरिकल हमने कर लिया, अब इसके पार्ट बी को डिस्कस करें. बोलो मिला? पेज नंबर 57 अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट. हाँ, अभी मैं स्टूडेंट के लिहाज से ही चल रहा हूं, तो पेज नंबर 57 में ऐसा गिवन है, ऐसे ही है ना, डन है. अब देखो हमारे पास क्या है, नोट करोगे और तुम लोग मुझे बताओगे. देखो सबसे पहले मैं तुमसे बात करता हूं, आकार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. चलो फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब होता है, आकार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है एवरीवन? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यस और नो? जी, बेहतरीन हो गया. तो इसी में मैं डाटा बना रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो. आगे चलो, विद एन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ए मींस टू से 5 m/s², यस और नो मेरा बच्चा? जी जी बिल्कुल बेहतरीन है, बेहतरीन है. ओके, उसके बाद फाइंड आउट द टाइम ट्रेवल, फाइंड आउट द टाइम ट्रेवल मींस टू से तुम्हें टी निकालना है, टाइम ट्रेवल निकालना है जबकि डिस्टेंस गिवन है तुम्हारे पास, जी बच्चा एस गिवन है. और नोट करो तुम्हारे पास टोटल 5 फैक्टर हैं, जुमला सुनना, तुम्हारे पास टोटल 5 फैक्टर हैं. कौन कौन से? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस. गौर से सुनो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम. इन 5 में अगर नोटिस करो तो 4 गिवन है. एक ऐसा पैरामीटर है जो तुम्हें इस सवाल में गिवन नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी. बोलो यस और नो अंशरा, थैंक यू. और अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन होगा तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करते हो तुम लोग? फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं होगा तो इक्वेशन कौन सी मेरा बेटा? तो फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं होगी तो इक्वेशन होगा एस इज इक्वल टू वी आई टी हैविंग दिस प्लस ए टी स्क्वायर एंड थैंक यू वेरी मच. बोलो यस और नो. अरे क्या बोलते हो यार, कर लोगे ना? छोड़ दूं, ओके की रिपोर्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? बोलो सेकंड इक्वेशन. अच्छे से असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं. न्यूमेरिकल का रजिस्टर अलग होना चाहिए, तमाम बच्चे कान खोल के सुनो, न्यूमेरिकल का रजिस्टर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ अलग होना चाहिए. न्यूमेरिकल का रजिस्टर बिल्कुल अलग होगा, चैप्टर वाइज बिल्कुल लाइन बाय लाइन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, एज इट इज तुम्हारा इस पूरी तरह से लेक्चर तैयार होगा. बस फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अभी हम कौन से मंथ में पढ़ रहे हैं? जी ये कौन सा मंथ है? अभी जुलाई का, ऐसे ही है ना? आज 23 जुलाई है, ऐसे ही है ना मेरा बच्चा? आज 23 जुलाई है. और मजे की बात यह है कि अब तुम्हारा जो पेपर अगले साल 2024 का होगा वो सिन बोर्ड का ईद के बाद होगा, और पूरा मार्च अगर ईद है और रमजान है तो ईद ऑब्वियसली तुम्हारे अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा ईद, और उसी के साथ साथ ईद के बाद तकरीबन 10 अप्रैल से पेपर होगा.
तो उधर 3 महीना और यहाँ ऑलमोस्ट तुम्हारा 5 महीना है, तो तकरीबन 8 महीने के बाद तुम्हारा पेपर होगा। और अगर 8 महीने के बाद आपका पेपर होने वाला है ना मेरा बच्चा, तो जहन में रखिएगा, जहन में रखिएगा कि आपको 8 महीने तक ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके नोट्स, आपकी आपकी इलेक्ट्रम राइटिंग जो कि मैं क्लास में अक्सर काम कराता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते हो तुम लोग, और इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सब एक प्रॉपर वे में हो, जब दिल चाहे रजिस्टर निकालो और रिपीट कर लो। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई जी। चलो चले, अब टॉपिक चेंज हुआ। देखो टॉपिक में कौन सा टॉपिक आया मेरा बेटा एवरीवन, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो आया, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी एवरीवन, मोशन ड्यू टू, बोलो बेटा, ग्रेविटी आ गया। जी आया, ओके ओके। अब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या करोगे, इसको कैसे डिस्कस करोगे, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 काइनेमेटिक्स में मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के पैरामीटर को डिस्कस कर लिया था। जी बिल्कुल ऐसे ही हैं, ओके। अब गौर से सुनना और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना मेरा बच्चा। देखो मेरा बेटा, हमारे पास क्या कंडीशन आती है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बोलता क्या है, देखो सवाल में बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर एज गिवन, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टचिंग द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो एक हाइट पर एक बॉल है, इस हाइट से नीचे गिराया गया। जी एवरीवन, चलो इस हाइट से अगर बॉल को नीचे गिराया गया है, ये ग्राउंड है, तो इसको मैं कह देता हूँ एच हाइट है, एंड इट इज बीइंग 50 मीटर, ओके। अच्छा, जब बॉल को डाउनवर्ड गिराया गया तो बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। अरे अंशरा क्या बात है यार, मजा आ गया। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली यहाँ पर वी आई क्या हो जाएगी, जीरो। और तुम्हें इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। डेटा में आ गया, देखो मेरा बेटा, फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द डेटा ना, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास। तो गिवन इंफॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू जीरो। देन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन दिस हाइट h इज इक्वल टू दिस इज 50 मीटर, एंड देन यू हैव ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज स्मॉल g विच इज 9.8 और दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू हैव टू फाइंड दिस, यू हैव टू फाइंड दिस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जी तो यू हैव टू फाइंड दिस वी एफ, यस और नो एवरी वन। जी बेटा, ओके ओके। अच्छा, इफ यू लुक एट दिस डेटा ना, तो हाँ यस ऑब्वियसली, इफ यू लुक एट दिस डेटा ना, तो विच ऑफ द फैक्टर इज मिसिंग ना, कौन सा फैक्टर मिस है। जी अभी तो सवाल आ जाएगा, वी हैव लर्न 5 फैक्टर्स ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल डिस्टेंस और टाइम और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली। तो ओके, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हाइट एंड एक्सेलरेशन, टाइम एब्सेंट है, और टाइम एब्सेंट है तो फॉर्मूला एवरीवन, जी वी नो डेट। जी बेटा, वी नो डेट,
टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर देन 2 × 10 or 9.8 it is being 9.8 h, this is 50 and vf square and this is 0 square. Okay, multiply these three factors. Okay na everyone, multiply this factor. So this is being 980 is equal to vf square, then you have to take root on both side. It is better to write taking root on both side na, so that you get you will not get confused when you repeat this. Taking square root on both sides. Yes. Gee everyone, it is being under root vf square equal to under root 980. Then you have to cancel this square with root. Then what is the final value of vf? What is the final value of vf? Take under it is being 31.3 this meter per second. Thank you. Okay everyone got my point na. Okay everyone, thank you. Ji bachcho, okay done. Concept clear ho gaya, koi pareshani to nahi ho rahi. Ji everyone, okay, yes, okay. Anshara aslam, are you there mera beta? Abdul Hadi ji, आज़ेब हाँ पूछो, कोई इशू ही नहीं है. ये तो कितनी अच्छी बात है. अगर कोई कन्फ्यूजन है फ़ौरन पूछ लो कि सर ये स्टेप में यहाँ मसला आ रहा है. मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं है. आयान स्क्रीनशॉट ले लो. थैंक यू जी बच्चा. जी एवरीवन, चलो आज़ेब मेरा बेटा डाउनवर्ड है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो डाउनवर्ड है. जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई. गौर से सुनना तो यहाँ पर क्या होगा, ये g की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये h की वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, vi की वैल्यू 0 है यहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ. इन तमाम वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई किया 980 आ गया. इस 0 का स्क्वायर तो कोई भी चीज़ किसी फैक्टर के साथ 0 प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता आज़िब मेरा बेटा. तो इस vf के ऊपर स्क्वायर है. अगर मैं इस टेकिंग रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अगर रूट ले लूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. 980 का रूट निकालोगे आंसर आएगा. बोलो यस और नो आज़िब मेरा बेटा, यस और नो. ओके की रिपोर्ट आ गई. थैंक यू. चलो सवाल करना अच्छी बात है. बिल्कुल एक्सेलरेशन ऑब्वियसली वर्टिकल मोशन है. तो मैं लिखा ना जी, ये देखो डेटा में लिखा ना, वर्टिकल मोशन है तो जी की वैल्यू 9.8 और डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव. क्या कहते हो यार, जी की वैल्यू हाँ ना भाई, बिल्कुल ऐसे ही है. जी की वैल्यू क्या हो गई भाई, पॉजिटिव ऐसे ही है. और 9.8 डाउनवर्ड है, अपवर्ड जाता है तो इसको नेगेटिव लेके सॉल्व रख करता. बोलो यस और नो. जी हीरोज ओके की रिपोर्ट आ गई. थैंक यू. चलो चैंपियंस ओके नेक्स्ट. नाउ इसी टॉपिक का राहिमा मेरा बेटा गौर से सुनोगे, इसी टॉपिक का मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में न्यूमेरिकल डी है. देखो बुक में है न्यूमेरिकल डी में, देखो बुक में है मेरा बेटा. इट इज बीइंग न्यूमेरिकल डी में, इफ अ बॉडी इज थ्रोन, अगर किसी बॉडी को थ्रो किया गया अपवर्ड विद द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस मींस वी आई गिवन है. ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट which the body can reach, means you have to calculate this h. Okay na. Now it is being obviously it is upward motion na. Upward motion mein kya hota hai, g ki value plus ya minus. Upward motion mein final velocity 0, g kya hoga, g minus. Okay now you have to elaborate
विद दिस फॉर डायग्राम ना, नाउ वी हैव अ बॉडी विच इज बीइंग टॉस्ड अप थ्रोन अप एज वी नो डैट एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो. इनिशियल वेलोसिटी यू आर बीइंग गिवन विच इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड इन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन दिस इज जी एंड दिस इज ऑब्वियसली 9.8 माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस मैक्सिमम हाइट. ओके ना. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सम डाटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में ना इनिशियल वेलोसिटी क्या है. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एवरीवन मेरे साथ साथ ना. मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत जज्बाती हो गया हूँ, आपकी तरह हो गया हूँ. क्या कहते हो तुम लोग जी? इनिशियल वेलोसिटी वी आई इट इज बीइंग 50 मीटर पर सेकेंड. ओके ना. ओके 50. नाउ एक्सेलरेशन ना ऑब्वियसली, चलो ये भी लिख लो, फाइनल वेलोसिटी इट इज बीइंग जीरो. दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बीइंग जी इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी नाउ यू हैव टू फाइंड दिस हाइट. मीन्स दिस हाइट h टू बी कैलकुलेटेड. यस और नो एवरीवन, सिलेक्ट द फॉर्मूला फर्स्ट. ऑब्वियसली वी हैव लर्न 5 कॉमन थिंग्स ना. इनिशियल फाइनल, ओके डन. इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन डिस्टेंस और हाइट एंड ऑब्वियसली टाइम. टाइम इज नॉट गिवेन. जबरदस्त, परफेक्ट. टाइम इज नॉट गिवेन. इफ यू आर नॉट गिवेन द टाइम, देन अगर टाइम गिवेन नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा? ये क्वेश्चन मार्क में कोई बच्चा आ रहा है चैट बॉक्स में, बेटा अपने अपने ओरिजिनल नाम से आ जाएं प्लीज. कोशिश ये करें तमाम बच्चे अपने ओरिजिनल नाम से आएंगे, अच्छे तरीके से क्लास में इंगेज होंगे और अपने ओरिजिनल नाम से आओगे तो हमें रिप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा. चैट मुझे पार्टिसिपेंट में एक और वीवो 1823 के नाम से एक और बच्चा है, प्लीज बेटा अपने ओरिजिनल नाम से आए. वंस यू गेट द रिमूव फ्रॉम द सेशन ना, इस पूरे सेशन से एक दफा तुम्हें रिमूव कर दिया गया, फिर तुम्हारे लिए दोबारा रिकनेक्ट होना बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम में आ जाओगे, अच्छी बात नहीं है. और अच्छी बात यह कि तमाम बच्चे ओरिजिनल नाम से हैं, हमारे पास बहुत आसानी हो जाएगी. फिर मैं रिस्पॉन्स करने में मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. मैं अगर किसी का नाम लूं रिवो 1823, ये तो नाम बिगाड़ने वाली बात हो गई ना. क्या कहते हो बच्चों, हंस रहे हो तुम लोग? बकिया बच्चे हंस रहे हो. देखो मोहम्मद कितना प्यारा नाम लेकर आया मेरा बच्चा, मोहम्मद आ गया क्लास में, है ना. असलम परवेज इतना प्यारा नाम है, अंशरा हैदर हैं, आयजा हैं, अबिया मनाल हैं, अब्दुल हादी हैं, आजिब हैं, सुनैना फरीद हैं, राहिमा हैं, ठीक है, सारिम अली है, बार बार फाउंड चेंज करके आ रहा है, ऐसे ही है ना जी. चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या मेरा बेटा सॉल्यूशन में. कराऊँ या कर लोगे? हाँ क्या कहते हो यार, कराऊँ या कर लोगे? कर लेंगे. अंशरा कह रही है सर जी हो जाएगा. बकिया बच्चे क्या कहते हैं जी एवरीवन? अंशरा कहती है सर जी हो जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं है. हाँ हो जाएगा. असलम परवेज भी बोल रहा है यार सर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग जहीन है, आप टेंशन नहीं लें. यही कहते हो ना तुम लोग? हाँ भाई यही कह रहे हो ना कि सर हम लोग इतने जहीन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सारिम बोल रहा है यस मैं तो हूँ, है ना, डन. चलो चलें भाई. ओके ना. हाइट निकालना है तुम्हें तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g. और बातों बातों में मैं इतना सिर्फ लिख ही चुका हूँ. आजिब कह रहा है सर जी आपसे सीख रहे हैं. भाई ये तो आप लोग सीख रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी है ना भाई. ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बहुत अच्छी तरह गैदर्ड हो गए. हमारी पढ़ा तो मैं फिजिक्स रहा हूँ लेकिन हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह मैचअप हो गई है,
बच्चे सुन लेते हैं, काम अच्छा हो जाता है, अच्छी बात है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लोगे, बोलो यस और नो, इट इज बीइंग 50 और माइनस, हाँ ऑब्वियसली। चलो डन डन, फिनिश करें, आगे चलें, डन करो तो आगे चलो एवरीवन। जी बेटा, इसके बाद भी न्यूमेरिकल है, ऐसन देखो मेरा बेटा, इसके बाद भी एक न्यूमेरिकल है ना, बोलो है, हाँ ऐसन देखो इसके बाद न्यूमेरिकल है या नहीं है, है। कौन सा न्यूमेरिकल है, देखो ई न्यूमेरिकल है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में ई, यस और नो सारिम, थैंक यू। पेज नंबर 57 में ही है, क्या कहते हो जी? ये मार्केट में बुक भी अवेलेबल नहीं है, हमारा एडमिन भी परेशान हो रहे हैं। हाँ भाई एडमिन परेशान हो रहे हो, वो बुक नहीं है ना मार्केट में, हाँ बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे साथ बहुत अच्छा दे रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा लगा है। चलो डन डन डन, स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से आजी बेटा, जल्दी से, हाँ थैंक यू। ओके एवरीवन, जी बच्चा ज़बरदस्त हो गया, ओके की रिपोर्ट आ गई, चलें, चलो चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोस, डन डन, आ जाओ। चलो गौर से सुनो, ई में क्या बोल रहा है, देखो सवाल में कुछ इस तरह से, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट 70 मीटर एच गिवन है, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक, मींस टू से टी कैलकुलेट करो, टू रीच द ग्राउंड, मींस टू से जमीन पर गिरने तक का टाइम, मींस ये एक बॉल है, रिलीज किया गया कहां पर, ग्राउंड तक, तो ग्राउंड के लिए हाइट कितना गिवन है, 70 मीटर, जी की वैल्यू बोलो प्लस या माइनस, अरे यार क्या बोलते हो, जी की वैल्यू प्लस या माइनस, जी एवरीवन, जी अंशरा, थैंक यू आजिब, ओके मेरा बेटा आयजा, आर यू देयर अबिया, अब्दुल हादी, काशिफ, राहिमा, सुनैना आर यू देयर मेरा बेटा, वीवो 1823, देखिए यार क्या चल रहा है, सारिम आर यू देयर, चलो बेटा पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड यू हैव टू फाइंड दिस टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। नाउ एक काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, we have to make some data na, according to the given information in the question, we have this height na, this height h is equal to 7 meter, obviously initial velocity, yes or no, initial velocity, this initial velocity vi is equal to this zero, obviously acceleration, this is acceleration due to gravity, this is being acceleration due to gravity, means small g having this 9.8 meter per second square, or now you have to find this, aapne malum karna hai this time taken, this time question mark, yes or no everyone, chalo again final velocity mein se kya bolte ho yaar, final velocity mein se na yaar equation batao, ji jab kabhi bhi final velocity miss hogi, khadija jeete raho, allah aapko jazaaye khair de, behtareen ho gaya anshara, sunaina thank you mera bachcha, chalo champions everyone having this solution, now having this solution and this solution, we have this, we know that final velocity means h is equal to vit plus half gt square, chalo everyone, g yes or no mera bachcha, separate karo solve karo answer batao everyone, ji bachcha, ji everyone, thank you, okay mere bachcho, done ho gaya, are you there everyone, ha aage main kahan jaunga yaar, sarim, oho sarim mujhe kahan jana hai, ji pani ki talash mein main nikla, ji behtareen, yahi pe tha pani bhai, chalo done, चलें भाई चलें, आंसर बताओगे,
जी एवरीवन, इसमें अगर मैं हाइट के लिहाज से डिस्कस करूं तो तुम्हारे पास क्या आएगा मेरा बेटा, इट इज बीइंग 7-0 इज इक्वल टू वी आई 0 है, इसको टी से मल्टीप्लाई करो प्लस हाफ, हैविंग दिस 9.8, दिस टी का स्क्वायर कैंसिल आउट 4.9, दिस इज 7-0, यहाँ पर 4.9 टी स्क्वायर, दिस 7-0 अपॉन 4.9 टी स्क्वायर। चलो डिवाइड करके आंसर बताओ एवरीवन। जी बच्चा बाड़ी, डिवाइड करके आंसर बताओ एवरीवन। जी ओके मेरा बेटा, टाइम टोटल कितना आया जी, 14.28 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 14.28, इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लेना बच्चा बाड़ी, इसका रूट ले लोगे तो क्या आएगा बोलो जी, 14.28 इसका रूट ले लोगे तो क्या आएगा टी फाइनल जी, 3.78 दिस सेकेंड, ये आपके पास आंसर, बोलो यस और नो। जी ओके ओके हो गया मेरा बेटा, बोलो ओके, थैंक यू मेरे बच्चों, यस ओके ओके जजाक अल्लाह। तो ये था हमारे बुक का भी न्यूमेरिकल हो गया, अब बोलो यस और नो, बुक के सारे एग्जाम्पल हो गए, न्यूमेरिकल हो गए, बुक प्रॉब्लम भी करा दिया, बोलो यस और नो। जी एवरीवन ओके ना, ओके यस यस हाँ ओके, 799 वो 779 आ रहा है, 78 कर लो, कोई इशू नहीं है। चलो अब गौर से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना, न्यूमेरिकल का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हुआ पहले ये बताओ। जी एवरीवन, न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारे बच्चे बोल रहे हो यस और नो, न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो तो अब गौर से सुनो, हाँ माशाल्लाह, अब सुनो, अब मैं तुम लोग के लिए लेकर आया तुम लोग के लिए DPP, what do you mean by this DPP? जी मेरा बेटा, हाँ भाई DPP means to say डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही भाई, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते हैं एवरीवन भाई, हाँ आजिब बेटा ये बहुत प्रॉपर लो ना, बहुत अच्छे से, ये तो सेकंडों का काम है, ऐसे ही ना भाई, ये तो सेकंडों का काम है, थैंक यू। चलो अब ये DPP क्या है, अब DPP हमारे पास बेसिकली डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे जा रहा है ना, वैसे वैसे मैं आप लोग के साथ क्या करूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ अपनी तरफ से बनाए गए सवालात, कुछ प्रैक्टिस सवालात आप लोग के साथ शेयर करूँगा, घर पे उसको क्या करोगे तुम, लाजमी सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस सेशन का नाम क्या होगा बोलो बेटा, DPP, यस और नो। जी एवरीवन, हाँ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ओके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है मेरा बेटा, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम लोगों ने डिस्कस ये करना है, ये पहला सवाल है, स्क्रीनशॉट लोगे, सवाल का स्क्रीनशॉट लोगे तमाम बच्चे, घर में बैठ के सॉल्व करोगे, और यहाँ आंसर गिवन है, इधर देखो लेफ्ट पर इसका क्या गिवन है बोलो एवरीवन, इस सवाल का आंसर भी गिवन है, बोलो ओके जी एवरीवन, थैंक यू जी बच्चा, डन, हाँ डन हो गया, डन ओके ओके, चलें भाई, बेस्ट हो गया पहला सवाल, ये देखो ये दूसरा सवाल है, देखो ये दूसरा सवाल है DPP का दूसरा सवाल, थैंक यू। चलो एवरीवन, आजिम मेरा बेटा, अब्दुल हादी अभिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना सबके लिए ज़रूरी है, आयजा अंशरा, असलम मेरा बेटा, खदीजा राहिमा, सुनैना मेरा बेटा, चलो एवरीवन, रुमेसा, सारी मारियो देयर मेरे शहजादे, चलें डन, चलो भाई ओके ओके डन करो, तो आगे चलो तीसरा देखो, तीसरा जी मेरा बेटा, आप तीसरा देखो, तो तुम्हारे पास आकार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 meters per second square इफ द फॉर द हाफ मिनट, मीन्स टू से 30 seconds, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी बस स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो, आजिब बेटा दिस इज डिस्टर्बिंग ना,
मैं आमतौर पर इतने एग्जॉस्ट होता नहीं हूँ, मैं बहुत चिल हूँ ना, इशू नहीं है। साथ साथ चलो, सारे बच्चों के साथ साथ चलो। थैंक यू सो मच। चलो आजिब, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज फर्स्ट वन आजिब, थैंक यू, दिस इज फर्स्ट वन। जैसे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे डन लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच हैविंग दिस फोर। नंबर फोर, नंबर फोर इज अ टेनिस बॉल इज हिट्स वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट या हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, मतलब आपने हाइट कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली, कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन, फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा मेरा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, फाइनल 0, टाइम 3 सेकेंड है। ऑब्वियसली तुम्हें हाइट कैलकुलेट करना है, इट डजेंट मैटर, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ओके 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 आगे चलें। नंबर फोर इज डन। रोमैसा मेरा बेटा, आदि आर यू देयर, अंशरा, आयदा मेरा बेटा, अब्दुल हादी, चलो आजिब ओके ना, यस असलम, खदीजा मेरा बेटा, राहिमा, रोमैसा, थैंक यू, ओके की रिपोर्ट है। ओके ओके सारी मारियो देयर मेरा बेटा। सुनैना, सुनैना, सुनैना इस सुनैना को एक एक अवार्ड मिलना चाहिए हमारे छाजाओ की टीम की तरफ से। ये बात ही आई है कि सुनैना इज ऑलवेज बीइंग वेरी फर्स्ट स्टूडेंट इन एवरी क्लास, हर क्लास में सुनैना सबसे पहले आती है, सबसे पहले, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है। मैं तो हफ्ते में एक दिन होता हूँ, जब मुझे रिपोर्ट सब देख रहा होता हूँ, तो हमारी एडमिन की तरफ से ही बात आई कि शी इज़ वन ऑफ द वेरी पंचुअल स्टूडेंट, ठीक है। वैसे ऑब्वियसली तमाम बच्चे आ जाते हैं वक्त पर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ नेट का मसला बिल्कुल होता होगा। नंबर फाइव देखोगे द ट्रेन, सॉरी बिल्कुल बेटा बिल्कुल ऐसे ही है। अंशरा भी, अंशरा भी ओके, आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एडमिन की तरफ से बात आई, अंशरा के नाम लेना आप भूल गए, ये बात सही हो गई, ठीक हो गया, बचत हो गई अंशरा। हाँ आजिब भी, आजिब भी, मतलब एडमिन की तरफ से आजिब होगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अब तकरीबन बच्चे ऑन टाइम है, मुझे तो शिकायत नहीं मिली, ठीक ओके ना। आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स टू से ए फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट्स मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्वियसली 100 मीटर। जी थैंक यू, चलो ओके ना। कितने सवाल दिए डीपीपी के, कितने सवाल आए एवरीवन? जी बेटा डीपीपी के कितने सवाल आ गए? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के 5 सवाल, ये पांचों बन जाएंगे, पहले बोलो ये पांचों बन जाएंगे अच्छे से। एक्सपेक्ट करूं कि जुमरात वाले दिन जब मेरी क्लास होगी तो यू हैव डन एवरीथिंग, जी सारे सवाल हो जाएंगे इनशाला इनशाला। अब बताओ आज के लेक्चर में मजा आया एवरीवन? आज के लेक्चर में मजा आया, अमेजिंग लगा, सीखने को मिला, मजेदार हो गया, ठीक है, फीलिंग आई, हाँ भाई फिजिक्स पढ़ लें, थैंक यू एवरीवन। जी चलो भाई, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलो मेरे बच्चों, जदाक अल्लाह। ओके ये तो टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे को, और थर्सडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एंड इट विल बी डायनेमिक्स। थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।